नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। रमजान में मंदिर में गोमांस रखकर दंगे भड़काना चाहता था ISIS। हैदराबाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को 9 जगहों पर छापेमारी करके इस्लामिक आतंकी संगठन ISIS से संबंध रखने वाले 5 युवाओं को गिरफ्तार किया, जबकि 6 अन्य को हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है। NIA का कहना है कि IS रमजान माह में चार मीनार के पास स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर में गोमांस रखकर दंगा भड़काने की साजिश रच रहा था। छापेमारी में 11 युवकों के पास से 15 लाख रुपए, 25 मोबाइल फोन, एक एयरगन, एयरगन की ट्रेनिंग के लिए टारगेट, बम बनाने के नट बोल्ट, नाइट्रेट केमिकल और LED की बरामदगी हुई है। शिक्षा नीति में होगा बदलाव। अब 5वीं तक फेल नहीं होगा छात्र और 10वीं परीक्षा 2 चरणों में। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के मसौदे के प्रमुख बिंदुओं को सार्वजनिक किया है, जिसमें छात्रों को फेल न करने की नीति 5वीं कक्षा तक के लिए सीमित करने, ज्ञान के नए क्षेत्रों के पहचान के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन करने, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर GDP के कम से कम 6% करने और शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश को बढ़ावा देने जैसे कदमों का जिक्र किया गया है। साथ ही मंत्रालय की ओर से जारी मसौदे में एक सुझाव 10वीं कक्षा की परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने से जुड़ा है। छात्रों की असफलता दर में कमी लाने के लिए गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी में 10वीं कक्षा की परीक्षा 2 चरणों में लेने का सुझाव दिया गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 2 जुलाई से यात्रा प्रारंभ। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले में 8 CRPF कर्मियों के शहीद होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए 2 जुलाई से प्रारंभ हो रही अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों की सुरक्षा कड़ी की जाएगी। गृह मंत्रालय के अधिकारी हिमालय में 12,756 फुट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के सतत संपर्क में हैं। इन दोनों मार्गों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 12,500 सैनिक और राज्य पुलिस के 8,000 कर्मी तैनात किए जाएंगे। एक मार्ग दक्षिण कश्मीर के पहलगाम से है, जबकि दूसरा उत्तर पूर्व के सोनमर्ग के जरिए है। एक अधिकारी ने बताया कि वैसे तो 48 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर कोई विशेष खतरा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र की सक्रिय मदद से सभी सुरक्षा इंतजाम किए हैं।